अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद बिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें चाहिए आलू बड़े साइज़ का। आलू को लंबाई में कश कर लो, फिर इसे सादा पानी से 3 से 4 मरतबा वॉश कर लो। इसका स्टार्च निकल जाएगा, इसे किचन टॉवल से ड्राई कर लो। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। आप चाहो तो यहाँ पर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि कैरेट, कैप्सिकम। नाउ इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1 अंडा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें नमक नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमने आलूओं को ग्रेट किया है। कोई भी आप सब्ज़ी ले लो, जब आप उसे ग्रेट करोगे तो वो पानी छोड़ेगी और जब आप उसे काटोगे तो वो पानी नहीं छोड़ेगी। नाउ बिना रेस्ट दिए फ्लेम की तरफ चलते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम से लो पर रखा है और पैन में डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इस मिक्सचर को इवनली फैला देंगे, इसकी थिक सी एक लेयर बना देंगे, या यू कह लो के रोटी की तरह इसे शेप दे देंगे। नाउ इस स्टेज पर आकर साल्ट को हर तरफ स्प्रिंकल कर देंगे। नाउ मेरे पास हैं सफ़ेद तिल, इन्हें मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। नाउ ये नीचे से कुक हो चुका है, अब इसे इसकी साइड चेंज कर देते हैं और ये आसानी से इसकी साइड चेंज आप कर सकोगे। और ये रेडी हो गया है, इसे मैं प्लेट में डाल रही हूँ। अब इसकी कटिंग करते हैं। नाउ इसे हम पिज़्ज़े की तरह कट कर लेंगे और इसे त्रिकोण शेप दे देंगे। पोटैटो स्नैक के स्लाइसेस को प्लेट में रखेंगे और इसे एक खूबसूरत सी लुक दे देंगे। ये है मेरी आज की रेसिपी, डिलीशियस पोटैटो स्नैक की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।